हेलो फ्रेंड्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक वायरलेस की एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो बड़े कैंपस या बड़े एरिया पे, जो बड़े लार्ज कैंपस में और ओपन एरिया में जो यूज होती है, दैट इज मैश टेक्नोलॉजी। इसमें हम कैसे रैप मैप का मतलब क्या है, रूट एक्सेस पॉइंट क्या होता है, मैश एक्सेस पॉइंट क्या होता है, कैसे ये बिल्ड की जाती है, क्यों की जाती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बने रहें इस वीडियो के साथ। सो वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड, हम आज की इस सीरीज में, जो कि हमारी, आपको पता होगा, हम अपने वायरलेस की एक सीरीज चला रहे हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी पे, और इसमें हम अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो इस सीरीज में ये वायरलेस टेक्नोलॉजी का मैं आज हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज दिस वायरलेस टेक्नोलॉजी? सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सुपोज दैट मैं इसको एक बहुत बड़ा एक कैंपस मान रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा कैंपस है। मैं मान रहा हूँ ये 2-3 किलोमीटर में फैला हुआ है। मैं मानता हूँ कि 2-3 किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है, सुपोज दैट, ठीक है, 2-3 किलोमीटर में कैंपस है जो फैला हुआ है। अब आपका डाटा सेंटर कहीं पे, मैं मान रहा हूँ कहीं यहाँ पर आपका डाटा सेंटर है, ओके, ये डाटा सेंटर है जहां पर आपके WLC रखे हुए हैं, आपका लैन सेटअप है, आपके कोर डिवाइस है, मतलब लैन सेटअप पूरा यहाँ पर आपका बिल्ट है। अब आपको, बट यहाँ पर भी क्या है कि जैसे यहाँ पर कुछ आपके रेसिडेंस एरिया है, यहाँ पर कुछ आपका कैंटीन है, या कुछ भी, पूरे ये कैंटीन है जो ये पूरा एरिया है जहां पर आपको वायरलेस की एक्सेसिबिलिटी देनी है। अब वायरलेस की एक्सेसिबिलिटी देनी है तो इसके मेरे पास दो 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 रास्ते हैं, या तो मैं कॉपर से कनेक्ट करूँ या फाइबर से कनेक्ट करूँ आउटडोर एपी लगा के। आउटडोर एपी में भी एक लिमिटेशन है, और क्या लिमिटेशन है? अब जैसे कि, अब मैं, ये उतना बड़ा कैंपस है कि मुझे इस पे कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो मैं मानता हूँ कि मुझे 500 से 700 AP की रिक्वायरमेंट रहेगी। एग्जाम्पल, इतना बड़ा एक्सेस, इतना बड़ा लोकेशन है, एरिया है ये, मैं मान लेता हूँ 500 AP मुझे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। अगर मैं सर्वे करने बैठ निकलता हूँ तो मुझे इस पे, मेरा जो BOQ निकल के आया है वो अप्रोक्सीमेटली 500 एक्सेस पॉइंट का एस्टिमेट साइट सर्वे में निकल के आया है। अब 500 एक्सेस पॉइंट का मतलब है कि मुझे, मैं कहाँ लगाऊंगा, मैंने चूज कर लिया एक लोकेशन कि जितने भी लाइट स्ट्रीट पोल है मैं उस पे माउंट करूंगा। अब मैं ये मान रहा हूं कि मेरा ये एक ये लाइन है, यहाँ पर मेरा एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, ये मेरे बिजली के पोल है, और इन सब पे मेरे एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, ये आप इनको ऐसे मानिए। तो अब दो, मेरे पास दो इसके जो तरीके हैं, एक तो मैं WLC से, डाटा सेंटर से हर पोल तक फाइबर फाइबर लेकर दूं, हर एक्सेस पॉइंट तक मैं फाइबर, हर एक्सेस पॉइंट को मैं फाइबर से कनेक्ट कर दूं। अब इसमें क्या होगा, मेरे पास इश्यू क्या आएगा? इश्यू ये आएगा कि मेरा जो ये एक्सेस पॉइंट है, मुझे 500 पोर्ट, 500 POE पोर्ट मुझे चाहिए, किस पे? स्विच पे। 500 एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करने तो 500 पोर्ट चाहिए स्विच पे। 500 पोर्ट का स्विच का मतलब है कि 24 पोर्ट का भी, अगर मैं 48 पोर्ट का स्विच भी लेता हूं तो कम से कम 10 से 12 स्विच मेरे को चाहिए सिर्फ एक्सेस पॉइंट, आउटडोर एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करने के लिए। तो एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसको मैश टेक्नोलॉजी में कॉन्फिगर करूं। मैश टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मैं कुछ सिलेक्टेड पोल्स पे फाइबर पहुंचाता हूँ, वो फाइबर पहुंचाने का मेरा तरीका कुछ भी हो सकता है, मैं जिपॉन चला रहा हूँ, मैं MPLS चला रहा हूँ, कुछ भी, मेरा कुछ भी वैन टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूँ मैं उसपे। मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ इस पे जो मेरी एक्सेस पॉइंट है वहां पर मैं फाइबर सब जगह नहीं पहुंचा रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अभी मैं मान रहा हूँ कि मैं ये यहाँ पर, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं WLC से मैंने यहां तक एक फाइबर बिछाया, एक फाइबर मैंने इसको कनेक्ट किया,
एक फाइबर से मैंने इसको कनेक्ट किया, एक फाइबर से मैंने इसको कनेक्ट किया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे क्या किया, मेरे मेरे जो एपी नंबर 1, एपी नंबर 2, एपी नंबर 3 और एपी नंबर 4, चार एक्सेस पॉइंट को मैंने डब्ल्यूएलसी के से कनेक्ट कर दिया। डब्ल्यूएलसी तो सारे कनेक्ट होंगे, मतलब स्विच से कनेक्ट कर दिए। मैंने कॉन्फिगर कर दिया, मेरे एपी सब रजिस्टर वजिस्टर सब है। मैं ये मान के जा रहा हूँ कि मेरे कॉन्फिगरेशन सब रेडी है, प्री कॉन्फिगर सब रेडी है। मैं उसे माउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब मैंने फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। अब मेरे स्विच से कनेक्टेड हो गए, तो अब मैं हर जगह फाइबर ना डाल के, फाइबर ले ना करके, जहां जहां पर मेरी फाइबर बिछी है, जहां पर मेरी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मेरे डब्ल्यूएलसी से, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मेरे स्विच से है, उन उन एक्सेस पॉइंट पे मैंने फाइबर बिछा दिया। उन उन एक्सेस पॉइंट को मैंने कॉन्फिगर कर दिया एज ए रूट, रूट एक्सेस पॉइंट, मतलब रैप। ओके, इसके बाद जो मेरे नहीं थे डायरेक्ट कनेक्ट विद डब्ल्यूएलसी या स्विच से, जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं थे, उनको मैंने सिर्फ पावर देके पावर ऑन कर दिए। मैं मान रहा हूं कि चार तक मेरे हो गए, मेरा पांच और ये छह और ये सात, पांच और छह और सात एक्सेस पॉइंट पे मैंने सिर्फ पावर दी। जो मेरा एक से लेके पांच तक को मैंने रूट रूट बनाया, पांच से लेके पांच से सात को मैंने सिर्फ पावर दी, बस पावर ओनली पावर देके मैंने इनको बूट कर दिया। इनको मैंने बनाया मैश एक्सेस पॉइंट, मैश एक्सेस पॉइंट मतलब मैप। इनको मैंने मैश एक्सेस पॉइंट कॉन्फिगर किया। अब इसमें मेरा क्या हुआ कि जैसे मैंने इसको मैश एक्सेस पॉइंट किया, मैंने इसको ये बताया मैश वाले को कि तेरे तुझे किससे एसोसिएट होना है, डायरेक्ट डब्ल्यूएलसी से नहीं होना, तेरे को पहले एसोसिएट होना है रैप से, उसके बाद रैप तेरे को एसोसिएट करवाएगा डब्ल्यूएलसी से, स्विच से। ओके, सो कनेक्टिविटी कैसे बन रही है कि मेरा जो ये पांच नंबर, जो पांच नंबर एक्सेस पॉइंट है, पांच नंबर एक्सेस पॉइंट को मैंने बोला है कि तुझे पहले कनेक्ट होना पड़ेगा, पड़ेगा एक्सेस पॉइंट नंबर चार से, चार तेरे को रिचेबल करवाएगा डब्ल्यूएलसी से और स्विच से, सॉरी नो स्विच से, स्विच के होते हुए डब्ल्यूएलसी से। इसी तरीके से मैंने सात नंबर को बोला कि तेरे को एसोसिएट होना पड़ेगा पहले एपी नंबर वन से, और एपी नंबर वन तेरे को रजिस्टर करवाएगा डब्ल्यूएलसी से। तो मेरी पर यहाँ पर दो चीज क्या बच गई, मेरी छह या पांच छह सात मुझे फाइबर ले करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिजिकल कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक से लेके चार तक के जो एक्सेस पॉइंट थे उनको मैंने एज ए एपी भी कॉन्फिगर कर दिया और एज ए काइंड ऑफ प्रॉक्सी डब्ल्यूएलसी भी कॉन्फिगर कर दिया। तो मैंने उसको रूट बना दिया, रूट बना दिया मतलब अब जो रूट एक्सेस पॉइंट है ये मेरे, ये लगा लो मेरे पेरेंट है, ये मेरे पेरेंट एपी है और मैप मेरे चाइल्ड एपी है, ये मेरे चाइल्ड एपी है। अब मैं इसको कैसे बोलूंगा कि भाई, अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मेरा रैप है, रैप नंबर वन है, इससे मेरी मैप टू, मैप थ्री और मैप फोर, ये मेरे इससे कनेक्टेड है और रैप वन जाके कनेक्टेड है मेरा डब्ल्यूएलसी से, ठीक है। और वन टू और रैप रैप वन जो है मेरा इससे, टू थ्री फोर जो है मेरा एज ए मैप एपी से कनेक्टेड है, रैप से कनेक्टेड है। ये हो गया मेरा एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हो गया कि मेरे पास एक और रैप है एपी नंबर फाइव, ये मेरा रैप है, मैप सिक्स, मैप सेवन, मैप एट, इनको मैंने एपी नंबर पांच से कनेक्ट कर दिया और एपी नंबर पांच कनेक्टेड है फिजिकली डब्ल्यूएलसी से। तो जो मेरे रैप रैप वन और रैप फाइव ये मेरे पेरेंट एपी हो गए, ये हो गए मेरे पेरेंट एपी, ये हो गए मेरे पेरेंट एपी। और जो मेरे मैप है, मैप एपी जो मेरे पांच छह सात और तीन चार पांच थे, वो मेरे हो गए चाइल्ड एपी, किसके, मैप के, मैप रैप के। तो ये मेरे पेरेंट चाइल्ड एसोसिएशन हो गया। अब ये तो मेरे पेरेंट चाइल्ड एसोसिएशन हो गया, बट इसमें एक चीज और क्या हुई कि ये जो मेरे ये रैप और ये रैप,
ये आपस में एज ए रजिस्टर है, एज ए नेबर, नेबर एपी। तो जो मेरी डब्ल्यूएलसी में जो लिस्ट बनेगी, तो मुझे क्या, मुझे कैसे कैसे दिखाएगा ये मेरे को कि मेरे पास जो पेरेंट रैप है वो एपी नंबर वन है, उसके अंदर जो चाइल्ड है वो एपी नंबर दो तीन चार एज ए मैप कनेक्टेड है, रैप का जो नेबर है, नेबर रैप है वो मेरा है रैप फाइव, ये मेरा इस का नेबर है। अब रैप वन अपने मैप जो चाइल्ड एपी है उनको भी ये चीज बता के रखेगा कि अगर मैं डाउन हो जाऊं तो तुम्हें रैप फाइव से कनेक्ट होना है। समझ रहे टेक्नोलॉजी, एक रैप है जो मेरा पेरेंट है, उसके कुछ मैप हैं जो उसको चाइल्ड बन के उससे एसोसिएट है, रैप वन और रैप फाइव आपस में नेबर एसोसिएट है, रैप वन अपने मैप को बता के रखता है कि अगर मैं डाउन हो जाऊं तो तुम्हें रैप फाइव से एसोसिएट होना है, इसी तरीके से रैप फाइव अपने मैप एपी को बता के रखता है कि अगर मैं डाउन हो जाता हूँ, रिचेबिलिटी टूट जाती है, तो आपको रैप वन से, आप नियरेस्ट मेरा जो एपी है, नियरेस्ट एपी जो मेरा नेबर है वो रैप वन है, आप उससे रजिस्टर हो सकते हो। तो ये आपस में बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्टिविटी बनती है इसकी। तो ये एक तरह की रैप मैप कनेक्टिविटी है। इसमें एक चीज जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, वो ये ध्यान रखनी पड़ती है कि जो मेरा रैप है वो मेरा जो रैप की जो हाइट है वो मेरी मैप की हाइट से ऊंची होती है। मतलब जो मेरा रैप एपी है अगर वो मेरा 15 फीट पे कनेक्टेड है तो मेरे मैप जो है वो 12 फीट पे होंगे या 10 फीट पे होंगे। मेरे रैप मैप से ऊंचे ऊंचे माउंट नहीं हो सकते, अगर वो उससे रजिस्टर होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए जो भी मेरे रैप है सारे मैप उसकी हाइट से नीचे नीचे ही रहेंगे, इस तरीके से। मतलब मैप और रैप ऐसे नहीं हो सकता, हमेशा मैप और रैप ऐसे होगा, इस तरह से कनेक्टिविटी रहेगी। तो ये मेरी एक बहुत, मैंने एक हाई लेवल ओवरव्यू दिया है, अगर इस पे डिटेल्ड में चाहिए तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, बट अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो बनाओ तो मैं इसको पूरा, एक केस स्टडी मेरे पास एक है, केस स्टडी जो मैंने एक इम्प्लीमेंट की थी कहीं पे, तो मैं उसका रेफरेंस केस स्टडी लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा हमने कैसे क्या किया, तो उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैश टेक्नोलॉजी क्या है, रैप क्या है, मैप क्या है, पेरेंट चाइल्ड क्या है और नेबर कनेक्टिविटी क्या है। तो मैश टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम सारे एक्सेस पॉइंट को फाइबर के थ्रू या फिजिकल कनेक्टिविटी के थ्रू डब्ल्यूएलसी से रजिस्टर नहीं करते, कुछ सिलेक्टेड एपी को हम रूट बनाते हैं और उनको हम डब्ल्यूएलसी से और स्विच के थ्रू फिजिकल कनेक्टिविटी देते हैं, कुछ एक्सेस पॉइंट को उस रैप से मैप कर देते हैं। जैसे भोला नहीं करते, एक एक रैप पे हम 4 से 5 मैप ही बनाते हैं बस, ज्यादा नहीं, कैसे नहीं 10-15 लगा दिया, ऐसे नहीं, 4 से 5 ही मैप हम उससे मैप करते हैं। वो मैप एपी के थ्रू होते हुए डब्ल्यूएलसी से रजिस्टर होते हैं। एक रैप ही एक रैप दूसरे रैप का, एक रूट एक्सेस पॉइंट दूसरे रूट एक्सेस पॉइंट के नेबर होता है और उसके पास पूरी मैपिंग होती है कि कौन मेरा नेबर है, कौन मेरे चाइल्ड है, कौन मेरा पेरेंट है। तो इस तरह से सारी कनेक्टिविटी बनी होती है, सबको, सबके पास ये टोपोलॉजी होती है, और अगर कोई रैप डाउन हो जाता है तो उसके जो चाइल्ड है वो दूसरे रैप से एसोसिएट हो जाते हैं। तो इसमें मुझे बेनिफिट एक होता है कि मुझे सब जगह फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं देनी होती, बट एक जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे पावर की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, कि मेरे जो मैश एक्सेस पॉइंट है उनको मुझे पावर देनी होती है, और अगर मेरे पास पीओई का प्रोविजन नहीं है रूट में भी तो भी मुझे, तो मुझे रूट को भी पावर देनी पड़ती है, तो पावर का प्रोविजन मुझे करना पड़ता है। रेस्ट रेस्ट इसमें बहुत ज्यादा, कोई ज्यादा मुझे कॉन्फ़िगरेशनल कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो सब डब्ल्यूएलसी का काम होता है, रेस्ट बाकी काम डब्ल्यूएलसी अपने आप करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, मैं समझा पाया होगा आपको, और आप चाहते हो कि इसमें मैं और डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट मी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, थैंक यू।